अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो वी विल बी डीलिंग ए बिट न्यू लेक्चर टुडे व्हिच इज़ बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ठीक है, अब देखिए सीबीएसई के लिए कहूँ तो ये लेक्चर जो है एडिशनल लेक्चर माना जाता है, एडिशनल टॉपिक माना जाता है, क्योंकि एज सच इसका कोई इंक्लूजन नहीं है सिलेबस में। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछ लिया जाता है, सो इट बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में पता भी हो। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है बेसिकली? आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। प्रोटेक्टिव डिवाइस हम किसको कहते हैं? प्रोटेक्टिव डिवाइस हम उस डिवाइस को कहते हैं जो किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, जो किसी चीज़ को सेव करता है। ठीक है ना, ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो हम किसी भी सर्किट में यूज़ करते हैं। ठीक है, या किसी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस मतलब किसी डिवाइस के साथ, किसी बड़ी सी मशीन के साथ हम इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को लगाते हैं, ताकि अगर कभी ज़्यादा करंट आ जाए और डिवाइस ओवरहीटिंग हो जाए, मतलब डिवाइस हीट अप हो जाए, तो वहाँ पे क्या हो, वो डिवाइस जलने से बचे, वो डिवाइस ख़राब ना हो। ठीक है, इस तरह से समझ लीजिए एक ऐसी डिवाइस होती है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी मशीन के साथ या किसी सर्किट में, ताकि सर्किट को हम, ताकि मशीन को हम बचा सके ओवरहीटिंग होने से। ठीक है, जलने से सर्किट को बचाया जा सके। ठीक है ना, अब अक्सर फ्यूज़ के बारे में सुनते हो, आपने घर में भी बहुत सारी जगह पर फ्यूज़ लगे होते हैं। ठीक है, अगर कभी बाहर से ज़्यादा करंट आ जाती है और वो करंट उस फ्यूज़ में पास होती है, तो व्हाट हैपन्स, वो फ्यूज़ ब्लो हो जाता है। ठीक है, वो फ्यूज़ उड़ जाता है, जल जाता है। ठीक है, तो जब वो फ्यूज़ जल जाएगा तो करंट पास नहीं होगी बाकी पार्ट ऑफ द सर्किट में, तो सर्किट सिंपली सेव रहेगा। ठीक है, जैसे कि इस सर्किट डायग्राम पे आप नज़र डालिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई एप्लायंस है, मतलब यहाँ पे कोई डिवाइस मैंने रखी हुई है, कोई मशीन है हमारी। ठीक है, इसी को मुझे बचाना है ओवरहीटिंग से, तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ यहाँ पे एक फ्यूज़ कनेक्ट करूँगा। ठीक है, सपोज़ अगर ज़्यादा करंट आती है इस फ्यूज़ में, ठीक है, पहले वो करंट जब आएगी तो फ्यूज़ में पहले उसको जाना पड़ेगा, तो जैसे ही वो करंट फ्यूज़ में पास हो जाएगी तो व्हाट विल हैपन, अगर वो करंट ज़्यादा है तो ये फ्यूज़ काम करना बंद कर देगा, और नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगा, उस टाइम पे सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक, तो जैसे ही सर्किट ब्रेक होगा व्हाट विल हैपन, करंट अंदर नहीं जाएगी, बाकी करंट नहीं चलेगी सर्किट में, और बाकी हमारे जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो सारी डिवाइसेस सेव हो जाएंगी, वो बच जाएंगी। ठीक है, तो आप समझे कि किस तरह से हम कनेक्ट करते हैं इसको। देखिए बेटा, क्या होता है कि जिस डिवाइस को आपको प्रोटेक्ट करना है, जिस चीज़ को आपको बचाना है, ठीक, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई डिवाइस है और आप इस डिवाइस को बचाना चाहते हो ओवरहीटिंग से, तो आपको क्या करना है, आप बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कनेक्ट करोगे। ठीक है, मतलब जब भी फ्यूज़ का कनेक्ट होता है ना, फ्यूज़ कनेक्ट होता है सर्किट के साथ, तो हमेशा फ्यूज़ कनेक्ट होता है सीरीज़ में। ठीक है ना, देखो बेटा, आपको पता है कि अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में क्या होता है, हर किसी डिवाइस को अलग अलग करंट सप्लाई होती है, तो पैरेलल में हर किसी डिवाइस के लिए अलग अलग फ्यूज़ लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, चूँकि पैरेलल में अगर 10 डिवाइसेस होंगी तो हर किसी डिवाइस का अपना अपना फ्यूज़ लगेगा, पैरेलल में हर किसी डिवाइस को अपना फ्यूज़, अपना स्विच लगेगा। ठीक है, वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, हेक्टिक हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, हम पूरे सर्किट को एक फ्यूज़ लगाते हैं बाहर से सीरीज़ में। ठीक है, क्योंकि सीरीज़ में आपको पता होना चाहिए, जब बहुत सारी चीज़ें सीरीज़ में कनेक्ट होंगी, अगर उनमें से एक डिवाइस भी काम करना बंद करेगा तो सर्किट पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा, सर्किट काम नहीं करेगा फिर उस टाइम पे। ठीक है ना, तो अक्सर क्या होता है कि जब हम किसी सर्किट में फ्यूज़ का इस्तेमाल करना चाहें तो हम उस सर्किट में फ्यूज़ को सीरीज़ में इस्तेमाल करेंगे, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, किसी भी सर्किट के साथ जब आपको फ्यूज़ का इस्तेमाल करना होगा, आप सीरीज़ में करोगे उसका इस्तेमाल। अब थोड़ा ज़रा समझ लेते हैं कि ये फ्यूज़ क्या है बेसिकली। मैंने कहा कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है, मतलब अगर ज़्यादा करंट कभी सर्किट में आ जाते हैं तो फ्यूज़ ब्लो हो जाता है, जल जाता है, और वो करंट सर्किट के अंदर नहीं जा पाती है। है क्या ये बेसिकली, ये फ्यूज़ अगर समझा जाए तो फ्यूज़ सिंपली एक रजिस्टर है। मैं आपको समझा दूँ फ्यूज़ क्या है बेटा, एक सिंपली एक रजिस्टर है। ठीक है, और इस रेजिस्टर की खासियत यह है कि जब इसमें करंट पास होती है, तो आपको पता है एवरी रेजिस्टर हैज़ दिस प्रॉपर्टी कि जब उसमें करंट प्रोड्यूस पास की जाती है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, एंड दैट हीट इज़ आई स्क्वायर आर टी, है ना। ठीक, आपको पता है
आई इज़ द करंट, आर इज़ द रेजिस्टेंस, टी इज़ द टाइम. जूल इज़ लॉ, ठीक है, कि जब आप किसी सर्किट में करंट पास करोगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा प्रोड्यूस बेटा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो जब ज़्यादा करंट पास होगी ना तो व्हाट विल हैपन, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी, और उस जब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी तो ये रेजिस्टर मेल्ट हो जाएगा. ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ऐसे ही एडजस्ट किया जाता है. ठीक है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट इस तरह से एडजस्ट किया जाता है सच दैट कि अगर कभी ज़्यादा करंट आ जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, ये फ्यूज़ ऑटोमेटिकली काम करना बंद करता है. कैसे, इस फ्यूज़ के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट काफ़ी होती है, सफिशेंट होती है उस फ्यूज़ को मेल्ट करने के लिए, उस फ्यूज़ वायर को मेल्ट करने के लिए. ठीक है ना, फिर से आप सुनिए क्या होता है कि जब ज़्यादा करंट यानी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट इस फ्यूज़ के थ्रू पास होती है तो इस फ्यूज़ के अंदर जो वायर जो तार लगी होती है ना उसमें हीट प्रोड्यूस होती है. ठीक है, अगर ज़्यादा करंट है तो मतलब जूल इज़ला से आप पता लगा सकते हो कि ज़्यादा हीट होगी. ठीक है, और उस ज़्यादा हीट से क्या हो जाएगा, फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा, और जैसे ही फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा ना तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, मतलब एक कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा सर्किट में, फिर करंट आगे अंदर नहीं जा पाएगी. ठीक है, देखिए बेटा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, अक्सर क्या होता है कि हमारे यहाँ पे यूजुअली गांव में या किसी मतलब मोहल्ले में बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है. ठीक है, उसके ऊपर उस ट्रांसफार्मर के ऊपर लगे होते हैं फ्यूज़. ठीक है, तो अगर कभी ज़्यादा करंट आती है तो फ्यूज़ जल जाता है और उस पूरी लाइन में उस पूरे मोहल्ले का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कट हो जाता है. फिर हम अक्सर बोलते हैं ना कि क्या हुआ भाई, फ्यूज़ जल गया, फ्यूज़ उड़ गया. ठीक है, ये ट्रांसफार्मर के पास फ्यूज़ ही उड़ गया. ठीक, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक फ्यूज़ लगा था. अक्सर हम वो तार लगाते हैं, एलुमिनियम वायर वहाँ पे लगाते हैं. ठीक है, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है, जब उसमें करंट पास होती है तो ज़्यादा करंट होगी तो वो मेल्ट हीट प्रोड्यूस करेगा और उस वजह से वो मेल्ट हो जाएगा. ओके, आपने अक्सर इस फेनोमेनन को होते हुए देखा होगा, घर में भी फ्यूज़ होते हैं. ठीक है, अगर ज़्यादा करंट आ जाती है तो फ्यूज़ ब्लो हो जाता है. ठीक है, फ्यूज़ जल जाता है. ठीक है, अब देखो तो सिंपल है, फ्यूज़ सिर्फ जूल इज़ला की एक एप्लीकेशन की बेस पे काम करता है. बस ज़्यादा करंट आएगी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, उससे क्या हो जाएगा, फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा, तो सर्किट ब्रेक, करंट पास नहीं होगी अंदर. ठीक है, अब बहुत सारे टाइप्स के फ्यूज़ यूज़ होते हैं. सबसे पुराना टाइप जो है ना फ्यूज़ का, दैट इज़ कॉल्ड एज किट कैट फ्यूज़ यूज़ होता है. ठीक है, बेसिकली क्या होता है, इसमें एक पार्सिलियन बेस होती है, इट कंसिस्ट्स ऑफ अ पार्सिलियन बेस और एक फीमेल कॉन्टैक्ट रहता है इसके अंदर, मैं आपको अभी बताऊँगा वो क्या होता है. ठीक है, अच्छा एक और टाइप का फ्यूज़ है जो आज हम यूज़ करते हैं, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़, HRC, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़. पहले क्या होता था, पहले एक ऐसा फ्यूज़ आता था जब उसमें ज़्यादा करंट पास होती थी ना वो ब्रेक हो जाता था, और वो फ्यूज़ क्या होता था, जब वो ब्रेक हो जाता था, मेल्ट हो जाता, फिर हमें उस फ्यूज़ को बदलना पड़ता था, एक नया फ्यूज़ लेके आना पड़ता था और वो लगाना पड़ता था. लेकिन अब हम आज यूज़ करते हैं HRC, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़. इसका मतलब क्या होता है कि इसमें एक बटन लगा रहता है अंदर से, अगर कभी करंट ज़्यादा हो जाती है ना तो वो बटन खुद ब खुद ऑफ हो जाता है, फिर आप उस बटन को दोबारा से प्रेस करके ऑन कर सकते हो. ठीक है, मतलब आपको फ्यूज़ को टोटली रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है. व्हाट विल हैपन, एक छोटा सा बटन लगा होता है, एक स्विच लगा होता है. ठीक है, फ्यूज़ नीचे आ जाएगा, या वो ये होते एक छोटी सी रॉड लगी होती है जिसको आप नीचे ऊपर नीचे खींच सकते हो. ठीक है, तो वो सिंबल में उस तरह से काम करता है. ठीक है ना, तो दो तरह के फ्यूज हैं. चलो मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा. ओके, दिस इज़ द बेसिकली टू फ्यूजेस. ठीक है, ये हमारे पास दो फेजेस हैं. ठीक है, फ्यूजेस हैं. ये पहला फ्यूज़ जो है ना, इट इज़ बेसिकली किटकैट फ्यूज़. ये किटकैट फ्यूज़ है. ठीक है, बस अब थोड़ा स्ट्रक्चर याद रख लो. यहाँ से ये जो बीच में डॉटेड लाइन्स में बनाई है ना मैंने, ये फ्यूज़ वायर है, यही वायर है. बाकी तो उसका सॉकेट है, डब्बा है. यहाँ पे इसको बोलते हैं मेल कवर और इसको बोलते हैं फीमेल बेस. ठीक है कि नहीं, है ना. ठीक, तो इस तरह का एक फेज़ है, दिस इज़ किट कैट फेज़. हाँ ओके, इसको लिखना आप किट कैट, ये किट कैट फ्यूज़ है आपका. ठीक है, दूसरा ये रहा HRC फ्यूज़. HRC फ्यूज़ क्या है, आप इस तरह से देख लो, इसके अंदर एक वायर लगी होती है. HRC फ्यूज़ के अंदर इस तरह से दिखता है. अच्छा, एक छोटा सा सर्कल बना है यहाँ पे, एक होल होता है, इसको पीप होल बोलते हैं. इसमें से लाइट जलती रहती है. ठीक है ना, जब तक क्या होता है, जब तक आपका फ्यूज़ काम करता है ना तब तक यहाँ पे लाइट रहती है, और जैसे ये लाइट बंद हो जाती है ना तो फ्यूज़ मतलब वर्किंग नहीं है, ब्लो हो चुका है. ठीक है, अरे भाई जब आप कमरे में जाते हो, अपने घर में जाते हो, तो आप देखते हो ना वहाँ पे सर्किट बोर्ड लगा होता है. ठीक है, आपके कमरे में बहुत सारे स्विचेस रहते हैं और साथ में एक रेड कलर का एक डब्बा भी रहता है, छोटा सा स्विच जिसके अंदर कंटिन्यूसली लाइट आती रहती है, वही HRC फ्यूज़ है. और जो वो छोटा सा होता है ना जहाँ से लाइट आ रही होती है, दैट्स पीप होल. ओके, तो पीप होल क्यों यूज़ करते हैं, अक्सर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम चेक कर सकें कहीं फ्यूज़ तो नहीं उड़ गया है. ठीक है ना,
अभी फ्यूज़ है कि उड़ चुका है, ठीक है। अच्छा, एक और टाइप का फ्यूज़ होता है, इट इज़ गिलास फ्यूज़। अक्सर ये फ्यूज़ भी यूज़ करते हैं, ये ट्रांसपेरेंट गिलास का बना होता है, सीधा सीधा अंदर से तार दिखती है। अगर फ्यूज़ कभी जल जाता है ना, तो बाहर से ट्रांसपेरेंट शीशा लगा है, क्लियर कट दिखता है कि देखो भाई वायर जल चुकी है, अब हमें इसको रिप्लेस करना है, ठीक है, ओके क्लियर। तो ये आपका है फ्यूज़, फ्यूज़ किस तरह से काम करते हैं मैंने बोला। अब सवाल ये है कि व्हाट इज़ द करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज़। करंट रेटिंग का मतलब होता है कि सेफ वैल्यू ऑफ करंट, यानी फ्यूज़ में से कितनी वायर करंट पास हो सकती है विदाउट डैमेजिंग इट, मतलब फ्यूज़ कितनी करंट को एलो करेगा। चलो हम एक फ्यूज़ कंसिडर करते हैं, किटकैट या HRC या गिलास ट्यूब, कोई भी गिलास फ्यूज़, ठीक है। उसमें एक वायर लगी होती है, किटकैट इन सब में एक वायर लगी होती है, किटकैट HRC सब में। तो उस वायर की लेंथ हम L मानते हैं, उसकी रेजिस्टेंस हम स्मॉल R मानते हैं। अच्छा सॉरी, इट्स नॉट रेजिस्टेंस, इट्स रेडियस बेसिकली, सॉरी आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, यू विल जस्ट रिप्लेस इट, इट्स रेजिस्टेंस, फिर सॉरी रेडियस, रेडियस स्मॉल R है, ओके, यू नीड टू रिप्लेस इट, ओके, वरना कन्फ्यूज हो जाओगे आप। रेडियस स्मॉल R है, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस कैपिटल R है, जैसे हम ले रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी वो तो आपको पता है, रो है। चलो मुझे बोलो, आपने अभी फार्मूला पढ़ी, H = I²RT, व्हाट इज दैट, दैट इज़ द हीट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द, हाँ, हीट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द फ्यूज। अगर आप इस टी को डिवाइड करोगे तो इट विल बी H/T, दैट इज़ I²R, है ना। तो ये H/T क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, H/T इज हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट, ओके, H/T इज हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, दैट्स पावर, ठीक है। तो इसको P से लिखेंगे, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, P इज I²R, ठीक है, वही। तो कितनी हीट प्रोड्यूस होती है इस वायर में, दैट इज I²R। लेकिन R के लिए फार्मूला पता है, ρL/A, है ना। तो रो अपनी जगह पे, L अपनी जगह पे, और एरिया को आप लिख सकते हो π r², है ना। तो ये जो R का वैल्यू है ना, इसको इस P में वापस डालो आप, देखो आंसर क्या आएगा। शाबाश, चलिए बेटा वापस डालते हैं, देखते हैं आंसर। तो आप जब P में वैल्यू डालोगे ना, तो इट विल बी द आंसर, दिस विल बी आंसर, ओके, दिस वन, यानी I² रूह L/π r², ठीक है, सिंपल। अच्छा, जो हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होती है उससे क्या होता है, उससे वायर का टेम्परेचर बढ़ता है, कॉमन सेंस है, हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन जो वायर है ना, वो मत जब उसमें टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा, जब उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, जब वो गर्म हो जाएगी, तो वो वायर क्या करेगी, उस हीट को लॉस्ट करेगी टू द सराउंडिंग्स, और होगा क्या कि ये धीरे धीरे फिर ठंडी हो जाएगी ये वायर, ठीक है। मतलब इसमें हीट प्रोड्यूस हुई, इसने वो हीट लॉस करके सराउंडिंग्स में दे दी, तो उससे क्या होगा, वेरी गुड, उससे होगा ये कि थोड़ी बहुत यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा, और एक टाइम आएगा कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, वायर का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ हीट लॉस, सवाल ये है कि एक फ्यूज़ कैसे काम करता है, समझ लेना, इसने कौन सी हीट लॉस की इस फ्यूज़ ने। बोलो सर, जो हीट प्रोड्यूस हुई वही इसने लॉस की। तो मैं बोल रहा हूँ कि रेट ऑफ हीट लॉस इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस, मतलब जितनी हीट प्रोड्यूस हुई वही हीट फिर लॉस भी हो गई, है ना। इसको मैं इक्वेशन 2 कहता हूँ, ठीक है। अब चलो लेट मैं क्यू डिफाइन करता हूँ। क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, कितनी हीट लॉस करता है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया। किसी पर्टिकुलर फ्यूज़ कितनी हीट को लॉस्ट करता है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, ठीक है। इस एरिया को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, क्यू इंटू ए, यहाँ से बचेगा क्या, अमाउंट ऑफ हीट लॉस डिवाइड बाई टाइम, इस एरिया को वहाँ से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। अच्छा, क्यू इंटू व्हाट इज़ द एरिया, चूँकि वायर सिलेंड्रिकल है, इसका एरिया क्या आएगा, सिलेंडर का एरिया 2πRL, दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट डिवाइडेड बाई टाइम। अमाउंट ऑफ हीट डिवाइड बाई टाइम क्या हो गया, रेट ऑफ हीट लॉस, कितनी लॉस हो रही है हीट। चलो यहाँ से तो 2πqRL आएगा, और इस रेट ऑफ हीट लॉस को मैं पी से लिखता हूँ, P' से लिखता हूँ। अब इक्वेशन 2 क्या कहता है, ठीक है। देखो इक्वेशन 1 से पता चलता है वो हीट जो प्रोड्यूस हुई, इक्वेशन 3 से पता चलता है वो हीट जो लॉस हुई। अभी मैंने कहा कि हीट ऑफ रेट लॉस एंड रेट ऑफ हीट गेन, हीट प्रोड्यूस, दैट इज इक्वल, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, P और P' को, P का वैल्यू आप डालो, ठीक है, P' का वैल्यू आप डालो, ठीक। तो यहाँ से आपको फिर क्या निकलेगा, दिस वन, ठीक है। ये फिर I² को आप अलग लिखो, π r² इस साइड पे जाएगा, रो L डिवाइड में हो जाएगा, L और L कैंसिल, यहाँ से I² निकलेगा, ये स्क्वायर वहाँ पे डाल लो, तो इट विल बी लाइक दिस वे, ठीक है। यहाँ पे 1/2 है, सॉरी, ठीक, 1/2 पावर 1/2, तो ही I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे 1/2, तो I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2, ये है, ठीक है। तो करंट इन द रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस रेज पर 3/2, समझ गए ना।
ये है सी एफ वैल्यू। इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो कि फ्यूज़ कितना करंट एलो करेगा। ओके चलिए आप नेक्स्ट पे आते हैं। दिस इज पावर रेटिंग। पावर रेटिंग क्या है? पावर रेटिंग का मतलब ये है कि कितना पावर, कितनी हीट फ्यूज़ में प्रोड्यूस हो सकती है विदाउट बर्निंग इट। फ्यूज़ तो आपको पता है हीट प्रोड्यूस होगी ज़्यादा तो बर्न हो जाएगा, तो कितनी हीट तक वो काम करेगा उसी को बोलेंगे पावर रेटिंग। पावर रेटिंग का मतलब होता है कि कितनी हीट एक फ्यूज़ बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद ना वो जल जाएगा। तो पी इज़ आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर। पावर के लिए दोनों फार्मूलाज हैं, आई स्क्वायर बाय आर भी है, वी स्क्वायर बाय आर भी है। तो आप इसमें आई का वैल्यू लिख सकते हो और वहाँ से आपको पता चलेगा कि कितनी हीट ये प्रोड्यूस करेगा, सो दैट जलेगा नहीं, ठीक है, कितनी हीट ये बर्दाश्त कर सकता है। सोचो अगर ज़्यादा करंट पास करनी है तो आपको रेजिस्टिविटी का वैल्यू कम रखना पड़ेगा। समझ आ रही मेरी बात? तो अगर आपको करंट का कम वैल्यू चाहिए, आपको रेजिस्टिविटी का ज़्यादा वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, साथ साथ में यहाँ तक तो हो गया फ्यूज़ वगैरह का, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है जिसकी डेफिनेशन मैं चाहता हूँ आप लोग याद कर लो, ठीक है, क्योंकि इसको हम आगे पढ़ेंगे फिर थर्ड यूनिट में। इट्स मेसनर इफेक्ट। मेसनर इफेक्ट, सुपर कंडक्टर्स आपको याद है? ओके, दिस दैट वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। सुपर कंडक्टर मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो है, जिसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक। तो क्या देखा गया है, और एक टेम्परेचर होता था जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते थे। बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर कंडक्टर सुपर कंडक्टर बिहेव करता था, ठीक है ना, आपको याद होगा वो चीज़। तो एक सुपर कंडक्टर में क्या होता है, एक सुपर कंडक्टर में जब आप मैग्नेटिक फील्ड पास करते हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जब आप सुपर कंडक्टर को डालते हो, तो क्या होता है, सुपर कंडक्टर उन मैग्नेटिक फील्ड्स को बैंड करता है, वो उनको अपने के मतलब अपने अंदर से पास नहीं होने देता है। यहाँ पे देखो दूसरे डायग्राम में, सुपर कंडक्टर पर यहाँ से पड़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आती है ना, तो सुपर कंडक्टर उसको बाईपास करता है, उसको बोलता है कि साइड से निकल जाओ, अंदर से वो उसको एलो नहीं करता, इस तरह से वो साइड से इनको निकाल देता है, ठीक है। मतलब ये आप समझ लो कि सुपर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को अपने अंदर से पास नहीं होने देता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज मेसनर इफेक्ट। मीन्स कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, आप उसमें सुपर कंडक्टर को रखोगे तो वो पास नहीं होने देगा, लेकिन कंडीशन आपको पता है कि इसका टेम्परेचर होना चाहिए लेस देन क्रिटिकल, तभी तो ये सुपर कंडक्टर बनेगा ना। अगर इसका टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल होगा ना, पहला वाला केस देखो, टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आराम से पास होगी, क्योंकि उस टाइम पे तो ये सुपर कंडक्टर नहीं है। जब टेम्परेचर लेस देन क्रिटिकल होगा तो ये सुपर कंडक्टर बनेगा, और सुपर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को एलो नहीं करता, ये उनको बैंड करता है, ठीक है। इसी फेनोमिनन का नाम मेसनर इफेक्ट है। होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, दिस वॉज वन ऑफ द, यू कैन से वन ऑफ द एक्स्ट्रा टॉपिक्स, ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये, ठीक है ना। ओके, सो वी विल सी सम मोर थिंग्स नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, फी अमानिल्लाह।